हाय एवरीवन, वेलकम टू फिनोलॉजी लीगल। आज के इस वीडियो में हम मई मंथ के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रैप अप करेंगे और इसके साथ ही हर कैटेगरी के बाद मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कैटेगरी है अपॉइंटमेंट्स की। फर्स्ट, टी रविशंकर को सेंट्रल बैंक का डिप्यूटी गवर्नर बनाया गया। कैबिनेट के अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने टी रविशंकर को आरबीआई का फोर्थ डिप्यूटी गवर्नर बनाया है। ये बीपी कानूनगो को सक्सीड कर रहे हैं जो 2 अप्रैल को रिटायर हो चुके हैं। अब रविशंकर करंट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, पेमेंट, बैंक अकाउंट, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम जैसे पोर्टफोलियोज के इंचार्ज होंगे। दूसरा, महेश बाल सुब्रमण्यन को कोटक महिंद्रा लाइफ के MD के पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। जी मुरलीधर के रिटायर होने के बाद महेश बाल सुब्रमण्यन को अपॉइंट किया गया है। इस अपॉइंटमेंट के पहले बाल सुब्रमण्यन कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बिजनेस को हेड कर रहे थे। इनको फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में लगभग 30 साल हो चुके हैं। अगला, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक्टिंग चेयरपर्सन की पोस्ट पे जस्टिस पंत को अपॉइंट किया गया है। जस्टिस पंत एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं और NHRC का ये पोस्ट December 2, 2020 से वेकेंट था जब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HL दत्तू ने अपना टेन्योर खत्म किया था। RM सुंदरम को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। इससे पहले डॉक्टर सुंदरम प्रिंसिपल साइंटिस्ट के तौर पे काम किया करते थे बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में और राइस इंस्टीट्यूट में इन्होंने 23 साल काम भी किया हुआ है। विजय गोयल को THDCIL यानी तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। ये एक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कंपनी है जो नेशनल थर्मल पावर प्लांट का ही एक सब्सिडियरी है। विजय गोयल ने ये कंपनी 1990 में ही ज्वाइन कर ली थी एज सीनियर पर्सनल ऑफिसर एंड इन्हें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फील्ड में 35 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अब आ जाते हैं क्विज पर। इनमें से किसे RBI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है? ए जोश जी काटुर, बी अरुण कुमार सिंह, सी टी रविशंकर या फिर डी उज्ज्वला सिंघानिया। ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट कैटेगरी है इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स की। हाल ही में जापानीज गवर्नमेंट ने एक बेंगलुरु बेस्ड जापानीज टीचर श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से अवार्ड किया है। श्यामला गणेश सेप्टुआजेनेरियन इंस्टीट्यूशन में एक टीचर है और ओहारा स्कूल की भी। ये अवार्ड दिया गया है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए फॉर प्रमोटिंग जापानीज कल्चर। अगला, मारिया रेसा को 2021 लॉरियट ऑफ द यूनेस्को या फिर गिलर्मा कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। इस प्राइज का नाम गिलर्मा कैनो इसाजा के नाम पे रखा गया है जो कि एक कोलंबियन जर्नलिस्ट थे। ये अवार्ड विनर्स के डिफेंस और प्रेस फ्रीडम के प्रमोशन में दिए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस की सराहना करता है। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स ने सिंगर पिंक को आइकॉन अवार्ड्स के लिए रिकॉग्नाइज किया है। ये अवार्ड उन आर्टिस्ट को दिया जाता है जिन्होंने बिलबोर्ड चार्ट्स में सक्सेस हासिल की हो। अगला, जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस गीता मित्तल को 2 में से 1 एयरलाइन पच्ड ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। गीता मित्तल ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की चेयरपर्सन है जिसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने सेटअप किया है। जापान की नाओमी ओसाका को 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से नवाजा गया है। इन्हें बेसिकली स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का किताब दिया गया है। वहीं मेंस कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 2 स्पेन के राफेल नाडल को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टाइटल से नवाजा गया। बाकी के विनर्स रहे फॉर टीम ऑफ द ईयर अवार्ड बेयर्न म्यूनिक, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड पैट्रिक महोम्स, द कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड मैक्स पैरेट और स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड में किक फॉर मोर बाय किक फेयर और वगैरह वगैरह। बढ़ते हैं क्विज की तरफ। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनमें से किस एक्टर को उनके परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो भी उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए? ए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बी अनुपम खेर, सी अमिताभ बच्चन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है इम्पोर्टेंट रैंकिंग्स की।
पहला है इस साल का ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट, जिसमें LIC थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट और 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड के तौर पे सामने आई है, वो भी वर्ल्ड वाइड। ये रिपोर्ट एनुअली लंडन बेस्ड ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस रिलीज करती है। और क्या आपको पता है कि LIC की ब्रांड वैल्यू अब 7% से बढ़कर $8.65 बिलियन हो गई है। दूसरा, नाइट फ्रैंक ने न्यू दिल्ली और मुंबई को ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में 32nd और 36th पोजीशन पे रैंक किया है। चाइनीज सिटीज जैसे कि शेंजेन, शांघाई और ग्वांगजो ने इस इंडेक्स को लीड किया है, तो वही वीकेस्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल सिटी रही न्यूयॉर्क। अगला, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट को रिलीज किया है, जिसमें 2020 में इंडिया के लार्जेस्ट रेमिटेंस रेसिपिएंट रही विथ $83 बिलियन। टॉप 5 रेमिटेंस रेसिपिएंट कंट्रीज है इंडिया, चाइना, मेक्सिको, फिलीपींस और इजिप्ट। एंड लार्जेस्ट रेमिटेंस सेंडिंग कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स विथ $68 बिलियन। रेमिटेंस उन पैसों को कहा जाता है जो किसी भी दूसरे कंट्री में रह रहे पर्सन को भेजा जाता है। तो पैसे भेजने वाला बेसिकली अपनी होम कंट्री में ये अमाउंट भेजता है फॉर हाउसहोल्ड इनकम। जनरली सेंडर फॉरेन वर्कर होता है और रेसिपिएंट कोई रिलेटिव बैक होम। अगला, इंडिया ने EY's रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में 3री पोजीशन हासिल की है अपने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए सोलर फोटोवोल्टिक फ्रंट के फील्ड में। US ने RECAI 57 में टॉप पोजीशन हासिल की है। इंडिया ने एक कमिटमेंट भी दी थी कि वो 450 गीगावाट सेटअप करेगा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बाय 2030। नेक्स्ट, झारखंड ने स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम्स में फर्स्ट रैंक हासिल की अमंग 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, और वही राजस्थान ने सेकेंड रैंक हासिल किया है। अब आ जाते हैं क्विज पर। हमें बताइए कि वर्ल्ड के 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स की लिस्ट 8th एडिशन रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन इनमें से किसने हासिल की है? ए, जेसिंडा आर्डन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। बी, डैन स्कुलमैन, CEO ऑफ PayPal। सी, डॉक्टर जॉन केंगा सॉन्ग, जो कि डायरेक्टर है अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के। या फिर डी, एडम सिल्वर। अगली कैटेगरी है इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की। पहला है द बेंच बाय मेघन मार्कल। ये बुक एक पोयम से इंस्पायर्ड है जो मेघन मार्कल ने अपने हस्बैंड प्रिंस हैरी को लिखा था फर्स्ट फादर्स डे पर उनके बेटे के होने के बाद। इस बुक की अनोखी वाटर कलर इलस्ट्रेशंस भी बहुत अट्रैक्टिव है जिसे दिखाया गया है। अगला, कल्की कोचलिन की बुक एलिफेंट इन दी वूम के बारे में है। ये बुक मदर्स की पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी से डील करता है। शकुर राठेर ने लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली को लिखा है जो प्रिस्टीन कश्मीर के पास्ट, प्रेजेंट और अनसर्टेन फ्यूचर से डील करता है। प्रिस्टीन कश्मीर अवेकनिंग 1938 में बना था एज होम ऑफ सर रामनाथ चोपड़ा। अगला है प्रीत मोहन सिंह मलिक द्वारा लिखी गई सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस के बारे में। ये बुक इंडिया के डिसीजन को बताता है जिसने सिक्किम की डिमांड एक्सेप्ट की कि वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाए, एंड इसके पीछे के कुछ स्ट्रेटेजिक इश्यूज को भी ये बुक दर्शाती है। अवतार सिंह भसिन ने नेहरू टिबेट एंड चाइना को लिखा है। ये बुक 1949 में हुए इवेंट से लेकर 1962 के इंडो चाइना वॉर को एनालाइज करता है और इन इवेंट्स के बाद हुए सभी इम्पैक्ट्स को भी स्टडी करता है। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था तब पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इनमें से किन टेरिटरीज पर इन्वेड किया था जिसके कारण इस वॉर की शुरुआत हुई? ए, लद्दाख। बी, सिक्किम। सी, असम। या फिर डी, मणिपुर। अगली कैटेगरी है इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स की। पहला, मार्क सेल्बाय ने स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप को 4th टाइम जीता है शॉन मोर्फी को हराकर। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप को हर साल कंडक्ट कराया जाता है सिंस 1927। इससे पहले मार्क सेल्बाय 2014, 2016 और 2017 की चैंपियनशिप्स जीत चुके हैं। दूसरा, द स्टॉप टोक्यो ओलंपिक्स कैंपेन के बारे में है, जो कि एक कैंपेन है टोक्यो ओलंपिक्स गेम को रोकने के लिए कोविड पैंडेमिक से हो रहे परेशानियों के कारण।
और कोविड को फाइट करने के लिए फाइजर ने वैक्सीन्स डोनेट करने का भी निर्णय लिया है। ये ओलंपिक्स कोविड के चलते पोस्टपोन होता चला गया एंड ये ओलंपिक्स अगर हुआ तो जापान इसे दूसरी बार होस्ट करेगा। नेक्स्ट, राफेल नाडल ने 2021 इटालियन ओपन जीता है। ये एक 10th रोम मास्टर्स चैंपियनशिप है और इस मैच में नाडल के ओपोनेंट थे नोवाक जोकोविक। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स ने राफेल नाडल को वर्ल्ड में नंबर 3 रैंक किया है और अब तक ये 20 ग्रैंड स्लैम्स इंक्लूडिंग 13 फ्रेंच ओपन टाइटल्स जीत चुके हैं। अगला, रेसलर सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अरेस्ट किया है मर्डर के चार्जेस में। इससे पहले इन्हें नॉर्दर्न रेलवे के सीनियर कमर्शियल मैनेजर के तौर पे अपॉइंट किया गया था पर अब इन्हें वहां से सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है 2022 फीफा के बारे में। इंडिया का 2021 अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराना अभी भी बचा है कोविड पैंडेमिक के कारण। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप इंटरनेशनली कंटेस्ट किया जाता है और अब ये 2022 में होस्ट होने वाला है जिसे इंडिया दूसरी बार होस्ट करेगी। अब आते हैं क्विज पर। इनमें से किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को पहली बार जीता है और फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप में लुइस हैमिल्टन को भी पीछे छोड़ दिया? ए बिली जीन किंग, बी मैक्स पैरेट, सी मैक्स वर्स्टैपेन या फिर डी जॉर्ज एमिक। अब आते हैं मई मंथ के कुछ इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की तरफ। पहला है, डेलॉयट ने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया एक वर्चुअल होम केयर इनिशिएटिव को लॉन्च करने के मोटिव से, जिसके तहत उन सभी लोगों तक हेल्थ केयर फैसिलिटीज पहुंचाई जा सके जिन्हें माइल्ड से लेकर मॉडरेट कोविड सिम्टम्स है। तो इस संजीवनी परियोजना के तहत हरियाणा गवर्नमेंट सभी लोगों को पूरा सपोर्ट करेगी और रिसोर्सेज भी देगी जिससे वो घर में रहकर कोविड से अपनी बचाव कर सके और ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटल्स तक भी पहुँच सके। दूसरा, आर्सेलर मित्तल नाइपॉन स्टील इंडिया ने ओडिशा गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक फीजिबिलिटी स्टडी इनिशिएट की है। इस स्टडी में ये लोग MTPA स्टील प्रोजेक्ट से जुड़े सभी इकोनॉमिक, टेक्निकल और लीगल फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। ये MTPA स्टील प्रोजेक्ट के तहत 12 मिलियन टन पर एनम इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट खड़ा किया जाएगा केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट में। असल में आर्सेलर मित्तल ने मार्च के महीने में ही ओडिशा गवर्नमेंट के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर MOU साइन कर लिया था इस डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के लिए, वो भी 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ। अगला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। तो हाल ही में जीन वेस्टली ड्रियान, जो कि मिनिस्टर फॉर यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स ऑफ फ्रांस है, इनके विजिट के दौरान इंडिया और फ्रांस ने डिसाइड किया है कि वो अपनी इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप को और एक्सपैंड करेगा और अब पेरिस को भी पार्टनर बनाया जाएगा जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को ज्वाइन करने वाला है। इसी बीच इंडिया और फ्रांस ने अपने बायलैटरल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस किया है, जैसे कि डिफेंस कोऑपरेशन को कैसे बढ़ाया जाए, स्पेस की फील्ड में किए जाने वाले एक्सचेंजेस को इंटेंसिफाई कैसे किया जाए, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट स्कॉट मॉरिसन से बात की है और इनकी बातचीत में इन दोनों लीडर्स ने सहमति दिखाई कि हर किसी तक वैक्सीन्स और मेडिसिन्स पहुंचनी ही चाहिए, जिसके लिए इन दोनों ने सभी पॉसिबल इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने का डिसाइड किया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से PM नरेंद्र मोदी को काफ़ी सपोर्ट मिल रही इस सेकेंड वेव ऑफ कोविड पैंडेमिक को फाइट करने के लिए। इनफैक्ट PM नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से सपोर्ट मांगा है अपने एक इनिशिएटिव के लिए जो इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर ली थी कि ट्रिप्स अग्रीमेंट पे टेम्पररी रोक लगा दी जाए कोविड के कारण। अगला, इंडिगो ने कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम के साथ मिलकर कुछ इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं कोविड पॉजिटिव एम्प्लॉयज और उनकी फैमिलीज की मदद करने के लिए जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की सख्त जरूरत पड़ सकती है। इन्होंने 13 बेडेड डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर सेटअप किया है कोविड पॉजिटिव एम्प्लॉयज के लिए ताकि उन्हें ऑक्सीजन बेड्स और मेडिकल फैसिलिटीज दी जा सके। इंडिगो एयरलाइंस ने पहले ही अपने 40 स्टेशन में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करवा दिया था।
अब क्विज देख लेते हैं। तो इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं कि आर्सेलर मित्तल नाइपॉन स्टील इंडिया के प्रेजेंट सीईओ का क्या नाम है। ए दिलीप ओमिन, बी लक्ष्मी मित्तल, सी संदीप कटारिया या फिर डी प्रवीर कुमार। इस वीडियो में पूछे गए सभी सवालों के जवाब हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो ये थे मई मंथ के कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। ऐसे ही और भी करेंट अफेयर्स टॉपिक पे जानकारियाँ इजी फॉर्मेट में पाते रहने के लिए आप हमारे करेंट अफेयर्स के कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।